हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस नोट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आरएस नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन अधिनियम 1980। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विकास करना व वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती तथा न ही अनारक्षित की जाती है। आबादी के बढ़ने तथा मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का कटना स्वाभाविक है। अतः ऐसे कार्यों की योजना बनाते समय तथा वनों को कटने हेतु मार्गदर्शिकाएं तैयार की गई हैं जिससे वनों को कम से कम नुकसान हो। पहला है, इन मार्गदर्शिकाओं में निम्न बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। वन संबंधी योजनाएं हो ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले। दूसरा है, वनों की कटाई जहाँ तक संभव हो रोका जाना चाहिए। तीसरा, पशुओं के लिए चरागाहों को ध्यान रखना चाहिए व चारे के उत्पादन हेतु विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। फोर्थ है, कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि इन इलाकों में पुनः पेड़ पौधे उग सकें। पहाड़ों, जल क्षेत्रों, ढलान वाली भूमियों पर वनों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। जंगलों का अनारक्षण या गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध। हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य पदाधिकारी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। इसका पहला पॉइंट है, कोई भी अनारक्षित वन या उसका कोई भाग उस राज्य में तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि में वन आरक्षित के संदर्भ में सुरक्षित होने के लिए संघर्ष करेगा। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग को किसी भी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग को पट्टे के माध्यम से या बिना पट्टे के किसी भी अन्य संगठन को सौंपा जा सकता है जिसमें सरकार का स्वामित्व या उसके द्वारा प्रतिबंध या नियंत्रित ना हो। फोर्थ पॉइंट है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग को पुनर्वरोपण के उद्देश्य से उसमें उगे वृक्षों को साफ किया जा सकता है जो वहाँ प्राकृतिक रूप से उगे हों। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय वन नीति 1952 घोषित की गई, लेकिन वनों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति चेतना की जागृति का विकास होने से वन संरक्षण को भी बल मिला। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का इस दिशा में विशेष योगदान रहा। सन 1951 से 1980 के बीच इन वन भूमियों का अपर्दन 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष था, जबकि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भूमि का अपर्दन 55,000 हेक्टेयर रह गया है। इस अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इसमें वर्ष 1988 में संशोधन किया गया। स्पष्टीकरण है, इस खंड के प्रयोजन के लिए गैर वन उद्देश्यों को तोड़ने या किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग के समावेश समाशोधन का अर्थ है। चाहे कॉफी मसाले, रबर, ताड़ का पेड़, तेल रखने वाले पौधे, बागवानी फसलों या औषधीय पौधों की खेती, पुनर्वरोपण के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए संरक्षण वनों और वन्य जीवों के विकास एवं प्रबंधन, जहाँ चौकियों, फायर लाइन, बेतार संचार एवं बाढ़ निर्माण पुलों एवं पुलियों, बांधों, झरनों, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइनों या इनके जैसे अन्य उद्देश्यों से संबंधित या सहायक शामिल नहीं है। वनों को सुरक्षित करने की आवश्यकता। वन प्राकृतिक नवीकरणीय हैं। ये दुनिया की लगभग 40% भूमि को कवर करते हैं। वन विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे लकड़ी, भोजन और आश्रय प्रदान करना, पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी के जल चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन आदि को बनाए रखना। लेकिन दुनिया भर में वन आवरण में कमी आई है जो चिंता बढ़ा रही है। अनदर क्वारीज के लिए आप मेरे जीमेल अकाउंट, मेरे फेसबुक अकाउंट और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं, धन्यवाद।